डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। आज जो हम अपना लेक्चर समझने जा रहे हैं वो है एडजस्टिंग एंट्री के हवाले से। जब मैंने एडजस्टिंग एंट्री की डेफिनेशन समझाई थी तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों बनाई जाती हैं और उसमें मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स में एडजस्टिंग एंट्रीज में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड होता क्या चीज है पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है और उसके बाद एंडिंग ईयर में क्लोजिंग जब हम कर रहे होते हैं उसकी एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनाई जाती है, वो तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, प्रीपेड, प्री का मतलब एक कॉमनली कहा जाता है कि प्री का मतलब पहले। ठीक है, प्री का मतलब पहले और पेड का मतलब दे दिया, यानी पहले से कोई चीज दे दी जाए। ठीक है भाई, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं किसी चीज को पहले से पेमेंट कर दूंगा तो वो क्या चीज कहलाएगी? प्रीपेड। मैं कोई चीज एडवांस में पैसे दे दूंगा किसी चीज को लेने के लिए तो वो क्या कहलाएगी? प्रीपेड। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्यों होता है ये भी मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, प्रीपेड में हम अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई जैसे आपके स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस होती है कि भाई आपके स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपको चार्ज करते हैं कि भाई जून जुलाई की फीस या फिर जो भी छुट्टियां जिस मंथ में पड़ रही होती है उसकी फीस आप हमें जमा कराएं एक महीने पहले, दो महीने पहले, तो वो आप क्या कर रहे होते हैं? प्रीपेड कर रहे होते हैं अपनी फीस को। ठीक है, तो प्रीपेड वो चीज होती है जो भी पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया है लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने गुड्स या सर्विसेज ना ली हो वो कहलाता है प्रीपेड। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। एक सबसे कॉमन चीज है मोबाइल, जो हर बंदा इस वक्त यूज कर रहा है। अच्छा, मैं अगर शॉपकीपर से जाके एक कार्ड लेता हूं और उसको पेमेंट करता हूं 500 रुपीज की और 500 का कार्ड लेता हूं। ठीक है, तो मैंने कार्ड यूज कर लिया, अभी मैंने कार्ड अभी यूज नहीं किया लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको एडवांस में पेमेंट दे दी कि भाई मैं कार्ड यूज करूंगा। ठीक है, तो 500 रुपीज का मैंने कार्ड ले लिया और उसको मोबाइल कार्ड लिया। अच्छा, जिस वक्त मैं मोबाइल कार्ड शॉपकीपर से खरीदूंगा वो उस वक्त मेरा एसेट होगा क्योंकि मैं उसको यूज करके अपने तमाम चीजें ले सकता हूं। ठीक है ना। अच्छा, मैंने सबसे पहले जब मोबाइल कार्ड खरीदा तो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या चीज आ गई? प्रीपेड बैलेंस। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, एक तरीके से समझ लीजिए हम कार्ड कंसीडर कर लेते हैं मोबाइल कार्ड। ठीक है, प्रीपेड बैलेंस से इसको शो करा। जब मैंने खरीदा मोबाइल कार्ड तो उसको एडवांस में पेमेंट कर दी 500 रुपीज और मेरे पास से क्या चीज चली गई जब मैं कार्ड खरीदूंगा, तो कैश मैंने शॉपकीपर को दे दिया। तो प्रीपेड बैलेंस मेरे पास डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया और ये इस वक्त मेरे पास क्या है, एसेट है। ठीक है, ये इस वक्त मेरे पास क्या है, एसेट है। अब ये जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अब चलते हैं एडजस्टिंग एंट्री की तरफ। अब मैंने एक महीना मोबाइल कार्ड यूज किया, जब एक महीने बाद मैंने अपना बैलेंस देखा तो मेरे पास क्या रह गया, 250 रुपीज का बैलेंस रह गया। राइट, मैंने कार्ड लिया था 500 का और मेरे पास एक महीने बाद कितना बैलेंस रह गया, 250 रुपीज का, यानी मैंने 250 रुपीज खर्च कर लिए और 250 रुपीज मेरे पास क्या रह गया, बैलेंस। तो जो बैलेंस मैंने यूज कर लिया वो मेरा क्या बन गया, एक्सपेंस। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री मुझे क्या पता लगा, महीने भर के बाद मुझे ये पता चला कि भाई ये आपको पता चलेगा कि 250 रुपीज आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, बैलेंस जो कार्ड हमने खरीदा था बैलेंस एक्सपेंस डेबिट 250 से और ये जो प्रीपेड मेरे पास था ये क्रेडिट 250 से। ठीक, अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई सर ये तो 500 का कार्ड था, 250 रुपीज एक्सपेंस हो गया, बाकी का कहां गया? बाकी मेरे पास वो अभी भी एसेट की फॉर्म में है। ठीक है, ये 250 एक्सपेंस हो गया और 250 क्या है मेरे पास, एसेट की फॉर्म में। अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का आप एक नजर डालिए, देखें यहां पे दो अकाउंट है, रेवेन्यू और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये 250 रुपीज क्या है मेरे पास, एक्सपेंस, ये मैं शो करा दूंगा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में और जो बाकी का 250 बच गया वो मेरे पास इस वक्त क्या है, एसेट, तो वो मैं क्या ले जाऊंगा, बैलेंस शीट के अंदर एसेट में दिखा दूंगा। ठीक है, ये है प्रीपेड की होल सोल कहानी। क्लियर हो गई बात?
एडजस्टिंग एंट्री में समझा दी और जनरल एंट्री भी समझा दी। अब इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं कंपनी के हवाले से जी। अब इसकी एक एग्जांपल हम और कोट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि भाई एक कंपनी ने वेयर हाउस लिया रेंट के ऊपर, ठीक है, वेयर हाउस लिया उसने किसके ऊपर, रेंट के ऊपर, जिसमें उसने 3 महीने के लिए रेंट में एडवांस दे दिया, राइट। एक वेयर हाउस लिया रेंट के ऊपर, उसका 3 महीने का क्या कर दिया, एडवांस दे दिया। और जब भी हम कोई चीज एडवांस में दे तो हमें क्या कहलाता है, प्रीपेड कहलाता है, ये बात अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने का ईच मंथ उसका है 2000 रुपीज का, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो मैंने 3 महीने का एडवांस पेड किया तो कितना होगा प्रीपेड, ये किस पे लिया है, रेंट पे लिया है, तो यहां पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट, ठीक है। अगर प्रीपेड हम कोई और चीज यूज कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम इंश्योरेंस पे कर रहे होंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। जिस चीज की भी अदायगी की जाएगी एडवांस में उसका नाम आ जाएगा प्रीपेड के साथ, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड यूटिलिटी बिल्स, ठीक। प्रीपेड रेंट कितना हो गया 6000, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूं, जर्नल एंट्री जो हमने साल के शुरू में हम बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है और क्या चीज चला गया मेरे पास है, जब मैंने उसको पेमेंट की तो कैश चला गया 6000 रुपीज का, ठीक है भाई, 6000 रुपीज का क्या चला गया, कैश चला गया। अब 3 महीने बाद दिसंबर आ जाता है, मेरी कंपनी ने मुझे ये बताया कि भाई मैंने 2 महीने यूज किया है वेयर हाउस अक्टूबर और नवंबर में, और दिसंबर में मैंने खाली कर दिया। 2 महीने यूज किया अक्टूबर और नवंबर में, दिसंबर में मैंने खाली कर दिया, यानी ये वाला महीना और ये वाला महीना, ये 2 महीने मैंने यूज किए, ठीक है भाई। तो अब एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा तो रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 6000 से नहीं, 2 महीने यूज किया इसलिए कितने से, 4000 से, ठीक है। और प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा, 4000 क्रेडिट, रेंट लिख दे प्रीपेड लिख दे, ठीक है, प्रीपेड रेंट, राइट। अब आप बोलेंगे सर ये जो 2000 है, मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि कोई भी चीज जब एडवांस में पेमेंट की जाती है वो उस वक्त तक आपका एसेट रहता है जब तक वो एक्सपेंस ना हो जाए, जब तक वो यूज ना हो जाए। ये हमारा यूज नहीं हुआ तो ये हमारा क्या है, एसेट, और एसेट हमारा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में 2000, और ये रेंट एक्सपेंस कहां शो हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस वाली जगह पर। जब हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस इक्वल होगा, ठीक है ना। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको जब मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ एंट्रीज को समझिए, एडजस्टिंग और जर्नल एंट्री को, ठीक है भाई। आखिर में एक छोटी सी बात, अगर मैं ये कहता कि भाई कंपनी ने तीनों मंथ यूज कर लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो फिर हमारे पास रेंट एक्सपेंस 6000 से बन जाता, ठीक है, नहीं बचता कोई पैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्ट, टेक केयर, गुड बाय।